और आगे बढ़ेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। विधायक दल की बैठक में तय होगी विधानसभा सत्र की रणनीति। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए फ्लोर मैनेजमेंट पर बनेगी रणनीति। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। सीएम भजन लाल शर्मा सहित सभी बीजेपी विधायक रहेंगे बैठक में मौजूद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी रह सकते हैं बैठक में मौजूद। विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की ये पहली बैठक है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बयान भी सामने आया कि विधायक दल की बैठक में तय होगी रणनीति। विपक्ष जो सवाल करेगा उसका मजबूती से जवाब देंगे, किरोड़ीलाल मीणा ने यह कहा है। तो ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, इसको लेकर आप को लिए चलते हैं सीधा विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विष्णु, आज बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है, क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है? बिल्कुल, विधानसभा सत्र का औपचारिक शुरुआत कल से होगी और इसमें विपक्ष जो है वो सरकार पर सवाल या निशान खड़ा करेगा और सवाल सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, क्योंकि सत्र में व्यवधान नहीं आए इसके लिए विपक्ष को कहा जा रहा है कि वो सहयोग से काम करे और सत्र को सुचारू रूप से चलाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे ऐसे होते हैं कि टकराव की स्थिति बन जाती है, तो ऐसे में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी कि वो सत्ता पक्ष के जो मुद्दे हैं सवाल है जवाब है उनका माकूल जवाब दे सके। साथ ही विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे जो मुद्दे हैं उनको जवाब देने के साथ ही एक सत्र को सुचारू चलाने के लिए भी प्रयास कर सके। साथ ही फ्लोर मैनेजमेंट बड़ा है, क्योंकि अब की बार जो बीजेपी ने राजेंद्र राठौड़ सहित सतीश पूनिया जैसे जो छड़ी के नेता है वो जीत कर नहीं पहुंचे, तो ऐसे में एक बड़ा दारोमदार रहेगा कि किस तरह से सदन को सदन में जो विपक्ष है उसके हमलों को माकूल जवाब दिया जा सके। क्योंकि अगर बात की जाए विपक्ष की तो बड़े बड़े दिग्गज नेता है वो यहाँ सदन में रहेंगे लगातार। गोविंद सिंह डोटासरा है, अभी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बना है, वहीं मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे कभी कभी सदन में आएंगे, हालांकि अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, तमाम जो नेता है वो यहाँ सदन शांति धारीवाल है, सबसे बड़ा नाम है शांति धारीवाल, वो लगातार सदन में ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जिनका सत्ता पक्ष के जवाब पास जवाब नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में फ्लोर मैनेजमेंट तय किया गया कि कौन कैसे मुद्दों का जवाब देगा, किस तरह से जवाब देगा, हरावल दस्ता कौन होगा कि लगातार आक्रामक रहेगा विपक्ष पर, इन तमाम बातों को लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी व्यापक। जी विष्णु, इस बैठक में और कौन कौन शामिल होने वाले हैं? एक बैठक में क्योंकि सत्ता पक्षी विधायक दल के नेता है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वो रहेंगे, साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो भी रह सकते हैं, क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब कई बैठकों में वो पहुंचे थे, तो ऐसे में विधायक दल की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी रह सकते हैं ताकि वो बातचीत में सहूलियत और रणनीति किस तरह बनाई जा सकती है, पार्टी की ओर से अपना पक्ष कैसे रखा जा सकता है, इन तमाम बातों को लेकर वो भी अपना सुझाव दे सकते हैं। जी विष्णु, अगर बात की जाए इस बैठक में तो एक चीज और सामने भी ये भी आई है कि इस बार विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए फ्लोर मैनेजमेंट पर रणनीति बनाई जाएगी, तो किस तरीके की रणनीति बन सकती है ये? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि कई मुद्दे ऐसे हैं, प्रश्नकाल से लेकर शून्यकाल से लेकर विभागों के अलग अलग जवाब है उनको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो काफी पुराने अनुभवी लोग ज्यादा हैं उस विपक्ष में, तो ऐसे में उनके जो सवाल तीखे सवाल होंगे उनका जवाब दिया जाएगा। कुछ मुद्दे विपक्ष की ओर से ऐसे उठाए जाएंगे जिनका जवाब कई बार सत्ता पक्ष के पास नहीं रहता, लेकिन अगर सत्ता पक्ष पूरी तरह तैयार रहता है, उनका फ्लोर मैनेजमेंट सही होता है कि वहाँ विधानसभा में किस तरह चलाया जाए उसको लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। वैसे विधानसभा में उपस्थिति को लेकर काफी सतर्कता बरती जाती है, क्योंकि 10% उपस्थिति रहना अनिवार्य है सदन की बैठक सुचारू करने के लिए, तो ऐसे में कहीं उसका ध्यान रखने के लिए मैनेजमेंट बनाया जाएगा कि फ्लोर पर कैसे चले। इसके अलावा कुछ मुद्दे हैं वहाँ केवल सत्ता पक्ष की समझदारी के कारण वो टकराव टल सकता है, उनको लेकर भी यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज विधायक दल की बैठक होगी और तमाम
बातों पर चर्चा की जाएगी, विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए भी रणनीति पर चर्चा होगी, क्योंकि विपक्ष में कई ऐसे बड़े और नामी चेहरे शामिल होने वाले हैं जिनको जिनके सवालों का जवाब कैसे दिया जाए उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। तो विपक्ष को लेकर भी इस बार जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी और कई बड़े नाम इस बैठक में शामिल होंगे।